इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डीप फेक वीडियो के मामले में मुआवजा मांगा है। मुआवजे की ये राशि 1,00,000 यूरो यानी 90,00,000 रुपए होगी। सार्डिनिया की ससारी कोर्ट में ये केस अंडर ट्रायल है। 2 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मेलोनी की गवाही होनी है। आइए अब समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 Digital। साल 2022 में जॉर्जिया मेलोनी का वीडियो अमेरिकी अडल्ट कंटेंट वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। तब जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री नहीं थी। आरोपियों ने अडल्ट फिल्म स्टार के चेहरे पर जॉर्जिया का चेहरा लगाया था, यानी फेस मॉर्फिंग तकनीक के जरिए मेलोनी का डीप फेक वीडियो तैयार किया गया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एडल्ट वीडियो अपलोड करने के लिए जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था, पुलिस ने उस मोबाइल को ट्रेस कर 40 साल के आरोपी को पकड़ा। हैरानी की बात यह थी कि इस काम में उसका 73 साल का पिता भी शामिल था। दोनों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक वीडियो बनाया था। मेलोनी की टीम की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 2022 में अपलोड हुए इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। इटली के कानून के मुताबिक ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है। बहरहाल आरोपी पकड़े गए तो ट्रायल शुरू हुआ। जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से दोनों आरोपियों पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया। अब हर्जाने के तौर पर 1,00,000 यूरो यानी करीब 90,00,000 रुपए के मुआवजे की मांग की गई है। मेलोनी के वकील मारिया ग्यूलिया मारुंगियो ने कहा, प्रधानमंत्री जो मुआवजा मांग रही हैं वो प्रतीकात्मक है। इस मुआवजे का उद्देश्य इस तरह के अपराध का शिकार हुई महिलाओं को ये संदेश देना है कि वे आवाज उठाने से ना डरें। अगर मुआवजा दिया जाता है तो वो उस राशि को हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की मदद के लिए दान कर देगी। अब ये भी जान लीजिए ये डीप फेक क्या बला है जिसका जिक्र आप अक्सर सुनते रहते हैं। आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट के जरिए कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत खबरें और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। ऐसा ही फेक वीडियो भी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इन वीडियो को डीप फेक कहते हैं। इसमें असली और नकली की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे मॉर्फिंग का एडवांस रूप माना जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो AI तकनीक के जरिए फोटोग्राफ, ऑडियो या वीडियो की फेक कॉपी तैयार की जाती है जो एकदम रियल लगती है। बस इसमें सब्जेक्ट बदल जाता है, यानी किसी शख्स के चेहरे पर दूसरा चेहरा इतनी सफाई से लगाया जाता है कि देखने वाला धोखा खा जाए। इन वीडियो को बनाने का मकसद लोगों की छवि को खराब करना, उन्हें बदनाम करना और पैसा ऐंठना हो सकता है। आपने खबरों में सुना होगा ऐसा एक वीडियो बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी सामने आया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया गया था। दरअसल वो वीडियो भी डीप फेक था। उसमें जारा पटेल नाम की एक लड़की के चेहरे को बदलकर रश्मिका का चेहरा लगा दिया गया था। इस डीप फेक वीडियो पर अमिताभ बच्चन से लेकर खुद रश्मिका मंदाना तक ने हैरानी जताई थी। रश्मिका के अलावा अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और काजोल का डीप फेक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिसके पीछे मकसद इन सेलिब्रिटीज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 Digital पर।